नमस्कार साथियों, देखिए रिट भर्ती एग्जाम से संबंधित अपडेट न्यूज। रिट वैलिडिटी को बढ़ाने जाने पर विरोध होना स्टार्ट हो गया है। अभ्यर्थी बोले सीटेट और रिट में काफ़ी अंतर है, एनसीटी की नए प्रावधान का इंतजार, रिट प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता पर विरोध के स्वर, 9.43 लाख प्रमाण पत्र रद्द हो जाएंगे। प्रदेश में रिट के प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता की कवायद शुरू होते ही एक और आजीवन वैधता का समर्थन किया जा रहा है, कुछ अभ्यर्थी इसका विरोध भी कर रहे हैं। रिट प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता पर निर्णय एनसीटीई के पत्र आने के बाद ही होगा, पत्र मिलने के बाद तथात्मक परीक्षण करवाया जाएगा। सरकार जो भी निर्णय ले अभ्यर्थियों के हित में ले, नियम यह है कि एक प्रमाण पत्र से एक व्यक्ति ही नौकरी ले सके, इसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए। तो ये थी रिट से संबंधित अपडेट न्यूज दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।